नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आज का एक मजेदार वीडियो जो कि RSCIT के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये पार्ट वन वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा पार्ट टू। इनमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जिन्हें पढ़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे और एग्जाम में टॉप करेंगे, ये आप गारंटी से लिख लीजिए। इस वीडियो में जितने प्रश्न बताऊं एक एक को याद कर लो, रट लो, एग्जाम में इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक क्या है? निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी चार ऑप्शंस में से कौन सा एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्पल iOS। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका गूगल प्ले स्टोर। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मोबाइल का या फिर किसी भी अन्य का, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। प्रश्न नंबर दो है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से अधिक नंबर हैं, जानने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग करेंगे? आपको क्या करना है, ऐसे नंबर, ऐसे सेल्स को काउंट करना है, गिनना है जिनमें 40 से ज्यादा संख्या है, तो आप किसका यूज करेंगे? दोस्तों वैसे तो हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए काउंट फंक्शन यूज करते हैं, पर यहां पर एक कंडीशन है कि 40 से ज्यादा अगर हो, ठीक है, 40 से अगर ज्यादा हो, अबो 40 हो, तो उसके लिए आप काउंट इफ लगाएंगे। मतलब एक कंडीशन यहाँ पर अगर लग गई तो उसके लिए काउंट इफ होता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर तीन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। अगर आपको एक्सेल में एक चार्ट बनाना है तो कौन सा आप किस किस स्टेप का यूज करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और उसके बाद चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, अर्थात ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी सही है। चौथा देखिए, चौथा प्रश्न बताने से पहले आप एक कमेंट पर गौर कीजिए दोस्तों। ये वो कमेंट्स हैं जो हमारे RSCIT के विद्यार्थियों ने इस चैनल के लिए किए, इन्होंने यहाँ से पढ़कर परसेंटेज बनाई है। ठीक है, प्रश्न नंबर चार, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको किसी एक स्लाइड का ही एनिमेशन चेक करना है कि इस स्लाइड में क्या क्या एनिमेशन लगा हुआ है, तो आप प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी उसका प्रीव्यू आप देखेंगे। प्रश्न नंबर पांच, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए आप क्या करेंगे? आवाज का मतलब है ऑडियो। एमएस पावर पॉइंट में यदि आपको ऑडियो इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट टैब में जाएं, वहां से मीडिया ग्रुप में जाएं, देन ऑडियो के बाद साउंड फाइल को सिलेक्ट कर लें, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मतलब इंसर्ट में से आप ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगला देखो, छठा प्रश्न, आप अपने ई टिकट को के आरक्षण की वर्तमान स्थिति कैसे जान सकते हो? यानी आपने एक ऑनलाइन टिकट बनाया, अब आप उसके आरक्षण की वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं, यानी उसका रिजर्वेशन की स्टेटस क्या है, तो आप किसके माध्यम से जानेंगे? ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए कि आप उसकी स्टेटस चेक कर सको, और इसका सही जवाब है दोस्तों PNR। अगर आपके पास PNR नंबर है तो आप उसकी जांच कर सकते हो। PNR का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी यात्री के नाम का रिकॉर्ड। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अमान्य ईमेल एड्रेस है बताइए, यानी एक ईमेल एड्रेस जो मान्य नहीं है, सॉरी अमान्य है, मान्य नहीं है, अमान्य ही होता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर इसमें .com, .in, .edu कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत है, बाकी सब सही है, ये तीनों सही है, पहला ऑप्शन गलत है। अगला देखो, MOOC का या फिर MOOC किसका उदाहरण है? मित्रों MOOC एक ऑनलाइन शिक्षा का उदाहरण है, यानी ऑनलाइन शिक्षा की वेबसाइट है, जो कि उसमें edX का इस्तेमाल होता है। edX उसके एक पोर्टल का नाम है जहां से आप ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। MOOC का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगला देखो, छठा, सॉरी नवा प्रश्न, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। यानी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर यानी ऐप को काम में लेते हो? दोस्तों एक ऐप जो आपके मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के काम में आती है, मॉडेम, कीबोर्ड, वेब ब्राउजर या फिर इंटरनेट, और इसका सही जवाब है दोस्तों वेब ब्राउजर, जिसमें आता है क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी आदि। दसवां प्रश्न देखो, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? दोस्तों कंपोज का हिंदी अर्थ होता है तैयार करना,
कंपोज का हिंदी अर्थ क्या होता है? तैयार करना। तो कंपोज यानी नया ईमेल मैसेज आप तैयार कर सकते हो अर्थात लिख सकते हो। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब है, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हो। 11वां है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग उपकरण का सही उदाहरण है, यानी पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? ऐसा उपकरण जिसका यूज करके आप कंप्यूटर स्क्रीन के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सकते हो, उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, जिनमें आते हैं ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस तीनों, है ना। ट्रैक बॉल, टच पैड, माउस तीनों ही क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल है। 12वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित कौन सा एक शब्द नहीं है? क्लिप आर्ट, हेडर फुटर, प्रेजेंटेशन या फिर बुकमार्क और हाइपरलिंक। और इसका सही जवाब है दोस्तों प्रेजेंटेशन, क्योंकि क्लिप आर्ट, हेडर फुटर और बुकमार्क और हाइपरलिंक ये तीनों तो क्या है? एमएस वर्ड से संबंधित है। 13वां देखो, इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प कौन सा है, यानी इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है? मित्रों इंटरनेट की गति को बीपीएस में मापा जाता है, जीबीपीएस में भी मापा जाता है, एमबीपीएस में भी मापा जाता है, केबीपीएस में भी मापा जाता है। तो सभी इसका सही जवाब है, उपरोक्त सभी यानी 13वें में डी जवाब रहेगा। अगला देखो, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है, यानी किसकी भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है स्टोरेज में? सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क। और इसका सही जवाब है दोस्तों ब्लू रे डिस्क। सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी यानी 500 GB तक डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। ध्यान रखें ब्लू रे डिस्क में 500 GB तक का डेटा आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइल को देखने के काम में आता है, अर्थात आपको पीडीएफ फाइल देखनी है तो कौन सा एप्लीकेशन काम में लोगे? दोस्तों एडोब रीडर का आप काम में लोगे। अगला प्रश्न देखो 16वां, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग खाली स्थान से कर सकते हो, यानी सोशल मीडिया चलाने के लिए आप किन किन का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शंस देखिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस। आप सबको मालूम है कि सोशल मीडिया की जो वेबसाइट है उनका नाम है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि। 17वां देखो, अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के यूआरएल को खाली स्थान पर प्रदर्शित करते हैं, यानी एक वेब ब्राउजर में वेबसाइट का एड्रेस जो दिखाई देता है ना यहाँ पर ऊपर, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उसको हम एड्रेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? एड्रेस बार। 17 में बी आंसर सही है। 18वां देखो, मैच करने वाला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में मिलान करके बताओ कि सही क्या है, इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से? दोस्तों इनपुट डिवाइस होता है ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड तीनों, यानी पहले में पी, यानी यहाँ पर मैं लिख दू पहले में पी। दूसरा आउटपुट डिवाइस कौन सा है? दोस्तों आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन, यानी दूसरे में आर। और तीसरे में क्या है? स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, यानी तीसरे में क्यू, तीसरे में क्यू। तो देखो पहले में पी, दूसरे में आर और तीसरे में क्यू कहाँ पर है? पहले में पी, दूसरे में क्यू, तीसरे में आर। पहला गलत, ए गलत है, ए ये नहीं होगा, बी क्यू ये भी गलत है, तीसरा भी गलत, चौथा सही है, पी आर क्यू, ठीक है ना, चौथा डी ऑप्शन सही है इसका। 19वां देखो, एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग जैसे कि सीपीयू को साझा करती हैं, यानी कि जहां पर एक साथ एक से ज्यादा कार्य होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? और एक प्रोसेसिंग मोड जहां पर एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके प्रोग्राम को प्रोसेस किया जाता है, मतलब एक जगह वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जहां पर एक से ज्यादा काम हो उसके कहते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। और जहां पर एक से ज्यादा प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो, उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न देखो 20वां, राजमेघ क्या है, यानी राजमेघ क्या है? दोस्तों राजमेघ, मेघ यानी बादल ना, बादल को अंग्रेजी में क्लाउड भी कहते हैं, तो राजस्थान का क्लाउड है, याद रखना राजस्थान क्लाउड स्टोरेज। 21वां, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, ड्राइव इत्यादि को चलाता है और नियंत्रित करता है, यानी कि ये जो चीजें हैं इनको डिवाइस कहते हैं, और डिवाइस को चलाने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? चलाने वाले को, जो चलाता है उसको ड्राइवर कहते हैं। तो डिवाइस को चलाने वाला कौन हुआ दोस्तों? डिवाइस ड्राइवर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। ओके 22वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सेवा का ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते, यानी कि
आप ई मित्र वेब पोर्टल से कौन सी सेवा का लाभ नहीं ले सकते? आप बिजली का बिल का भुगतान कर सकते हो, बिल्कुल सही है। पानी का बिल भी भुगतान कर सकते हो, सही है। मूल निवास प्रमाण पत्र यानी बोनाफाइड बनवा सकते हो, ये भी सही है। पर मोबाइल के बीच फाइलें साझा नहीं कर सकते ई मित्र से, तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा इसमें। अगला देखो 23वां, खालिस्तान का उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आप दो मोबाइल्स के बीच फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इन तीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 24वां देखो, कॉम्बिनेशन कीज कौन से इनमें से बताना है? दोस्तों कॉम्बिनेशन कीज उन्हें कहते हैं जो दूसरे बटनों के साथ कॉम्बिनेशन मिलाकर कार्य करते हैं, अर्थात उनको अकेले दबाने पर कुछ नहीं होता, जैसे कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, पर अगर कंट्रोल के साथ एस दबाओगे तो सेव होगा। इस वजह से इसको कॉम्बिनेशन यानी संयोजन की कहते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो पीछे जाएं, पीछे आप बैक कर लिया करो और पढ़ लिया करो, ठीक है ना? दोबारा से पढ़ लोगे दो बार में आराम समझ में आ जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का काम क्या है? जूम क्या काम में आता है दोस्तों? जूम करना, जूम यानी उसको उसके आकार को यानी उसका जो क्षेत्र है उसको बड़ा या घटा कर देख सकते हो, तो ऑप्शन ए सही है। व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या घटा कर देख सकते हैं, देखने के लिए, यहाँ पर ये देखने के लिए लिखा हुआ है ना। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में फ्रीज पैन कमांड क्या काम में आता है? दोस्तों फ्रीज पैन कमांड क्या करता है? रो या कॉलम जो शीर्षक है उसको एक जगह स्थिर कर देता है ताकि स्क्रॉल नहीं हो। मतलब आप समझो ध्यान से कि आप एक एक्सेल में काम कर रहे हो, सीट में यहाँ पर आपकी हेडिंग लिखी हुई है, आप चाहते हो कि मैं जब ऊपर नीचे स्क्रॉल करूं तो ये वाला रो है ना ये स्क्रॉल नहीं हो, यहीं पे दिखाई दे हमेशा के लिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे? फ्रीज पैन बना दोगे। क्या कर दोगे? फ्रीज पैन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट तो को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो। 27वां प्रश्न देखो, माना कि एक्सेल की कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है B1, B2 और B3। इनमें कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और आप इनमें से मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, सबसे कम वैल्यू क्या है? तो आप बराबर मिन फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन B1 से B3, B2, B3 भी ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर B1, B2, B3 आप ले सकते हो। तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, मिनिमम B2, मिनिमम B2, B3 है ना, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। तो दोनों तरीके सही हैं जो मैंने बताया और यहाँ पर लिखा हुआ है। 28वां देखो, इनमें से कौन सा एक स्क्रीन लॉक विकल्प है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपको इसका कमेंट करके जवाब देना है, मैं नहीं बताऊंगा। कौन सा स्क्रीन लॉक विकल्प है जो नो डॉट की एक श्रृंखला होती है उसमें ऐसी, ठीक है, और आप उसमें क्या करते हो? ऐसे करके लॉक खोलते हो, जैसे इस प्रकार से इस प्रकार लॉक खोलते हो कैसे भी, तो इस श्रृंखला को क्या कहते हैं, कौन सा लॉक है ये, कमेंट करके आप जवाब देंगे ना। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट नहीं है दोस्तों? SBI बड़ी मोबाइल वॉलेट है, भीम भी है, पेटीएम भी है, क्रेडिट कार्ड एक मोबाइल वॉलेट नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी सही जवाब है। 30वां, निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? इनमें से कौन सा एक ईमेल का फोल्डर नहीं है? सेंड मेल, रिसीव मेल, ट्रेस मेल या फिर स्पैम मेल? और इसका सही जवाब है दोस्तों रिसीव मेल, ये नहीं होता है ऑप्शन, इसकी जगह होता है इनबॉक्स, क्योंकि प्राप्त ईमेलों को इनबॉक्स में रखा जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 31वां देखो, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? आपके कंप्यूटर में अगर आपको नेटवर्क सेट करना है तो आप नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर ऑप्शन का यूज करेंगे। 32वां, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? दोस्तों इसका सही जवाब है अपना ऑप्शन ए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अन्य सॉफ्टवेयर को मंच भी प्रदान। अगला, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है? यानी भारत की NPCI ने कौन क्या बनाया है, क्या लॉन्च किया है दोस्तों? इसका सही जवाब है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड भारत के NPCI ने बनाया और लॉन्च किया है। अगला देखो, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट क्या होती है? डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट होती है दोस्तों Ctrl+D, डुप्लीकेट के लिए Ctrl+D शॉर्टकट होती है। अगला प्रश्न देखो, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार से प्रारंभ के अंत जो सेल एड्रेस को अगर आपको पृथक करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? यानी कि शुरू से और एंड के सेल एड्रेस को आपको अलग अलग करना है, ऐसे अलग अलग करना है, तो आप यहाँ पर कोमा का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। किसका इस्तेमाल करेंगे? कोमा का, ठीक है। इसी प्रकार का सेकेंड वीडियो आएगा, उसको आप देखना। इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएं, और सेकेंड वीडियो को
देखें जरूर, और इनमें उसमें कितने परसेंट सही हो रहे हैं ये तय करेगा कि आपकी आरएसटी में कितनी परसेंटेज बनेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।